तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है भावेश और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं सुजुकी एवनिस 125 का। तो फटाफट से वीडियो के लिए शुरुआत कर लेते हैं, लेट गेट स्टार्ट टू द वीडियो। और दोस्तों, ये जो स्कूटर है वो सुजुकी की तरफ से तीसरी 125 सीसी स्कूटर है। इसके पहले दोस्तों आपको एक्सेस 125 और बर्गमैन 125, ये दोस्तों दो स्कूटर मिल जाती थी। बट दोस्तों, ये दोनों भी स्कूटर के कंपैरिजन में आप इसका लुक देखोगे तो इसका लुक जो है आपको बहुत ही स्पोर्टी मिल जाएगा। उसकी वजह से दोस्तों ये जो स्कूटर है वो यंगस्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो शुरुआत करेंगे स्कूटर के प्राइसिंग के साथ। इस स्कूटर का जो एक्स शोर मुंबई प्राइस है वो आपको 88,000 रुपीज़ मिल जाएगा और इसका जो ऑन रोड कॉस्ट है वो आपको 1.14 लाख तक मिल जाएगा, जो कि दोस्तों मुंबई का प्राइस है। और दोस्तों इसमें आपको एक ही कलर वेरिएंट मिल जाता है और दोस्तों जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें आपको टोटल 5 कलर वेरिएंट मिल जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे स्कूटर के फ्रंट पोर्शन के साथ। तो आप इसका एक बार फ्रंट पोर्शन देख सकते हो। ये दोस्तों स्कूटर जो है वो डायरेक्ट कम्पीट करेगी TVS के एनटॉक 125 के साथ। तो इसका जो आप लुक देख सकते हो फ्रंट से, आपको बहुत ही स्पोर्टी लुक्स मिलने वाले हैं। बाकी आप फ्रंट में देखोगे तो आपको यहाँ पे जो है LED के हेडलैम्प्स मिल जाएंगे और उसी के साथ आपको यहाँ पे जो LED DRS मिल जाते हैं। उसकी वजह से इसका जो लुक है आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम मिलने वाला है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एवनिस की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि रेड कलर में देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पे आपको ब्लू एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप नंबर प्लेट होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको जो साइड इंडिकेटर्स है आपको बल्ब में मिल जाते हैं और ऊपर दोस्तों आपको सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। तो फ्रंट में आपको कुछ लोग इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी बात करेंगे इस बाइक के टायर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो है वो 90x90 सेक्शन के 12 इंचेस के टायर्स फ्रंट में मिल जाते हैं। और बात करेंगे इसके डिस्क ब्रेक्स के बारे में, तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएगा और रियर में जो आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। और दोस्तों इस बाइक में आपको ABS का सपोर्ट नहीं मिलता, यहाँ पे आपको जो है वो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। अभी आ जाते हैं इस बाइक के साइड पोर्शन की तरफ। तो साइड से आपको इस बाइक कुछ इस तरीके से लगने वाली है। साइड पैनल पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो सुजुकी इको परफॉर्मेंस की ब्रांडिंग मिल जाएगी और राइट कनेक्ट एडिशन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। मतलब दोस्तों स्कूटर में जो है आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है और यहाँ पे आपको एक स्टार की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो कि दोस्तों एक ग्राफिक वर्क देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके लुक में दोस्तों जो कि है प्रीमियमनेस ऐड कर देगा। यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। तो साइड पोर्शन में आपको इतना ही मिलता है। अभी आ जाएंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है वो एवनिस की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि रेड कलर में दिखने वाली है और यहाँ पे आपको जो सुजुकी की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस स्कूटर के इंजन के बारे में बता दूँ, तो यहाँ पे आपको 124.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो कि दोस्तों फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। और पावर फिगर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 8.7 PS की पावर और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपको अच्छी खासी पावर प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से आपको दिखने वाला है इंजन। बाकी आ जाएंगे इसके फुटरेस्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हो एक बड़ा सा फुटरेस्ट मिल जाता है। पैर रखते समय आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली, आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। बाकी इसके ऊपर आप देख सकते हो आपको एक टेक्सचर मिल जाएगा जिसकी वजह से जो आपका पैर है वो अच्छे से ग्रिप कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको एक ग्लव बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर दोस्तों आप ओपन करोगे तो आपको एक USB चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको मोबाइल डाल के चार्जिंग पे लगा सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको एक की के लिए स्लॉट मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाएगा और आपको और एक हुक जो है वो इस साइड में मिल जाता है। तो यहाँ पे सुजुकी ने यूटिलिटी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है। अभी दोस्तों क्विकली बात कर लेते हैं इस बाइक के रियर टायर्स के बारे में। तो दोस्तों आपको रियर में 90x100 सेक्शन के 10 इंचेस के टायर्स मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। और आप अलॉय व्हील्स का भी कलर देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा खासा ग्रिप मिलने वाला है इस टायर से। वही दोस्तों जो पीछे के सस्पेंशन है वो आपको स्विंग आर्म सस्पेंशन मिल जाएंगे और फ्रंट में दोस्तों आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको लुक मिल जाएगा पीछे के टायर्स का। तो अभी बात कर लेते हैं स्कूटर्स के सीट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप सीट्स देख सकते हो कुछ इस तरीके से मिल जाती है। आपको ड्यूअल टोन कलर फिनिश में यहाँ पर आपको सीट्स मिल जाएगी और दोस्तों जो सीट्स है आपको सिंगल सीट्स मिल जाती है। कुशनिंग क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी कुशनिंग क्वालिटी मिल जाएगी। तो राइडर एज वेल एज पिलियन दोस्तों यहाँ पर कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो तो आपको रेड कलर की स्टिचिंग भी मिल जाएगी, जिसकी वजह से दोस्तों स्कूटर के सीट्स में आपको प्रीमियमनेस देखने के लिए मिल जाएगा। वही दोस्तों आपको पीछे की तरफ जो है वो डेडिकेटेड ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों आपको बॉडी कलर में ही मिल जाते हैं। वही दोस्तों बात करेंगे इस स्कूटर के फ्यूल टैंक के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो आपको 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है और दोस्तों आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप मिल जाएगा, उसके वजह से दोस्तों आपको फ्यूल भरते समय स्कूटर से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों एक बार मैं आपको इसका अंडर सीट स्टोरेज दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ओपन होने वाली है सीट। तो यहाँ पे बात करेंगे इसके अंडर सीट स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो है 12.8 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आपका जो एक हाफ फेस हेलमेट भी इजीली रख पाओगे। तो कुछ इस तरीके से अपने आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसे अभी कर देते हैं बंद।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको इस बाइक का साइड पोर्शन मिल जाएगा, जो कि दोस्तों बहुत ही स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक आपको प्रोवाइड करने वाला है। तो अभी आ जाते हैं इस बाइक के पीछे की तरफ। तो पीछे से आप एक बार इसका लुक देख सकते हो। तो पीछे में आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी ये स्कूटर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो एलईडी के टेल लैंप्स मिल जाते हैं पीछे की तरफ, और जो इंडिकेटर्स है आपको बल्ब में मिल जाएंगे। वही दोस्तों यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर मिल जाता है और एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो मडगार्ड मिल जाता है देखने के लिए। तो रियर का पोर्शन आपको भी बहुत ही अच्छा और प्रीमियम मिल जाता है। तो अभी आ जाएंगे स्कूटर के हैंडल बार और मीटर कंसोल की तरफ। तो आपको हैंडल बार कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। एक नाइस एंड वाइड हैंडल बार आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ग्रिप के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे एक रबराइज ग्रिप मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको पास लाइट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको हॉर्न के लिए बटन मिल जाएगा। दूसरे साइड में देखेंगे तो आपको इंजन का किल स्विच और स्टार्ट बटन आपको इंटीग्रेटेड ही मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको सभी एक ही बटन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो कि सुजुकी का छोटा सा लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। अभी बात कर रहे थे इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपको एक्सेस में मिलता था उसी तरह का कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दो बटन मिल जाएंगे, सेट और मोड का। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस बटन का यूज़ करके इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में टॉगल कर पाओगे। यहाँ पे दोस्तों आपको सभी की सभी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज हो गया, यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर्स वगैरह मिल जाएंगे। और दोस्तों इंजन की सारी जो लाइट्स है आपको इस साइड में मिल जाएंगी। तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको सभी की सभी यहाँ पर मिल जाती है। वही दोस्तों इसमें आपको जो है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आपका जो मोबाइल डिवाइस है आप इस स्कूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों बात करेंगे स्कूटर के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर आपको मिल जाएगा। वही दोस्तों इसमें आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसके वेट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों आपको 106 kg का इसमें आपको वेट मिल जाएगा। तो बॉडी टू वेट रेशियो आपको बहुत ही अच्छा खासा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो है स्कूटर का एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको स्कूटर देखने के लिए मिल जाएगी। उसमें दोस्तों आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको कलर दिखा देता हूँ। तो स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको कुछ इस तरीके से कलर मिल जाते हैं। टोटल इसमें आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। ये दोस्तों आपको ग्रीन कलर मिल जाएगा और ब्लैक कलर भी आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कलर के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और आपको रेस वेरिएंट में कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा कलर। तो दोस्तों अभी जाते जाते मैं आपको इस स्कूटर का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट साउंड मिल जाता है, जो कि आपको एक बेसिक एग्जॉस्ट साउंड मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा ब्रह्मो सुजुकी जी, जिन्होंने ये स्कूटर मुझे आप तक पहुँचाने के लिए प्रोवाइड की। और दोस्तों आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। रिव्यू अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ।